नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ होता है, अलग अलग आइटम्स के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ होता है। हमने इससे पहले चैप्टर में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्यों वो पता करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर हम उसको पता करने के लिए निकल पड़े थे। सबसे पहले हमने पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता किया, देन उसके बाद अपन एक्सटेंडेड सिस्टम्स के लिए सेंटर ऑफ मास पता कर रहे थे। उस कड़ी में हमने हाफ रिंग या फिर रिंग के किसी पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा या फिर 2r sin α/α जो कि डिस्क के पार्ट का था, तो वो अपन पता कर चुके थे। हालांकि आपको हाफ रिंग और हाफ डिस्क का एकदम याद होना चाहिए। फिर उसके बाद जाते जाते हमने आपसे बोला था कि आप घर पे ट्राई करें किसका हेमी हॉलो हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, देन उसके पास आए सॉलिड का अपने को पता करना है, देन कोन वोन का ट्राइंगल का आज पता करते हैं। तो आइए खेला शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, दो पॉइंट हो गए, हाँ थर्ड वाला, थर्ड में डालिएगा, थर्ड में हेडिंग डाल दीजिए, थर्ड में क्या चीज लिखिएगा, थर्ड में लिखिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। आप समझ गए हैं कि भैया डेरिवेशन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ढंग का सवाल आएगा तो उसमें डेरिवेशन का रोल जरूर आएगा। तरीका आपको पता होगा तो आप सवाल के अंजाम तक पहुंच पाएंगे। का बहुत शानदार, हमने एक हॉलो हेमीस्फीयर ले लिया, ये है अपने पास एक हॉलो हेमीस्फीयर। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, मान लीजिए कि इसका रेडियस क्या है, आर है। हमें ये पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां है। हमको तो लगता है भैया कि ई लाइन पे ही होगा कहीं, सिमेट्री से दिखाई दे रहा है कि ये वाली लाइन पे ही कहीं होगा। मान लीजिए कि वो यहां से कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है। मान लीजिए कि ये दूरी अपने को पता करना है, ये वाली दूरी, ये वाली एक्सिस को मैंने एक्स मान लिया है, ये वाली एक्सिस को मैंने अगर वाई मान लिया है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y है। तो वाई अपने को पता करना है। हम लोग चाहते हैं भाई सेंटर से कितने दूरी पे आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा, किसका, ये क्या है, ये है होलो हेमीस्फीयर। क्या है, होलो हेमीस्फीयर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, लेमडा सिग्मा और रो में क्या डिफाइन होगा यहाँ पे, आप सोच के देखिए, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी या फिर वॉल्यूमेट्रिक। तो आप तुरंत बोलेंगे भैया यहाँ तो एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, मान लेते हैं कि इसका क्या है, एरियल मास डेंसिटी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत समझ में आ गया, और आपके दिल में चल रहा है कि बिल्कुल एलिमेंट इसमें कोई ना कोई लेना अपने को पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से थीटा पे गया, कहां से थीटा पे गया, यहां वाली साइड से थीटा पे जाके एक एलिमेंट लिया डी थीटा का, जिसकी मोटाई क्या है, डी थीटा की, और ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, ये आर डी थीटा हो जाएगी। आपको इसमें कोई दोराय नहीं है। और ये जो एलिमेंट है मेरा, उसका रूप कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा होगा ना, क्योंकि ये तो भैया हेमीस्फीयर है तो सब तरफ होगा ऐसा, है ना, एक ऐसा सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ये वाला एंगल, ये वाली दूरी आर है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली दूरी अपने पास क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा, ये वाला एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस होगा आर कॉस थीटा, रेडियस क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और सेंटर की यहां से दूरी हो जाएगी आपके लिए आर साइन थीटा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। लास्ट टाइम हमने बातें की थी कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए, जैसे वाई सीएम चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम में, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम में वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम, COM of DM। अब आपका जो DM है, आपका जो DM है वो कैसा है, वो ऐसा है भैया, ऐसी सर्कुलर स्ट्रिप है जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है आपके लिए R cos थीटा, और मोटाई क्या है, इसकी मोटाई है आपके लिए R d थीटा। तो मुझे बताइए कि इसका एरिया क्या होगा DA। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इसको खोल के बनाएं तो एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा, जिसकी लंबाई होगी 2 पाई आर, और आर क्या है, रेडियस है, क्या है इसका रेडियस,
आर कॉस थीटा, रेडियस क्या है आर कॉस थीटा, और मोटाई क्या है भैया ये वाली मोटाई है आपके लिए आर डी थीटा, तो एरिया क्या हो जाएगा लंबाई को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा एरिया निकल गया। हम लोग एरिया में इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्योंकि अगर मैंने इसको मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे डीएम मिल जाएगा, क्योंकि सिग्मा पर यूनिट एरिया पे कितना मास है, और मैंने इस एरिया से डीए एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे इस डीए एरिया यानी एलिमेंट वाले पार्ट का मास डीएम मिल गया है। वो हो जाएगा 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब हम जानते हैं कि डीएम मास के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है वाई। अच्छा ये डीएम क्या है, ये जो रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मतलब यहाँ होगा सेंटर पे, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाली रिंग का जो सेंटर ऑफ मास, रिंग का कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर वाला, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, ये वाली हाइट जो कि है आर साइन थीटा, जो कि क्या है आर साइन थीटा। ओ ये कौन से वाले मास, ये आपका डीएम मास है जो ऐसा है, और उसका सेंटर इसके जस्ट सेंटर पे होगा, और जीरो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया आर साइन थीटा, क्योंकि ओरिजिन हमने यहाँ पे लिया है। मैंने कहा अच्छा तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वाई हमारे लिए क्या है, मैंने कहा वो है आर साइन थीटा, क्या है आर साइन थीटा, डीएम की वैल्यू क्या है ये 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, नीचे क्या आ जाएगा, मैंने कहा नीचे आ जाएगा आपका डीएम का इंटीग्रेशन, यानी कि डीएम आपका क्या है, मैंने कहा 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट कहां तक जाएगी सोच के देखिएगा, सोचिए कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, क्या 0 से लेके यहां तक जाएगी, वैसा जाएगी पाई हो जाएगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाई तक नहीं जाएगी, 0 से लेके π/2 तक होगी, आप भी सोचिए कि क्यों 0 से लेके π/2 तक ही होगी, पाई क्यों नहीं होगी। अरे भैया दोनों साइड से कवर हो रहा है ऑलरेडी, वो रिंग है, अरे आपकी पहले वाली रिंग है, इसका रेडियस आर रहेगा, फिर कम होता रहेगा डी 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 डी, ऊपर वाली यहां पहुंचेंगे जब थीटा π/2 हो जाएगा, रिंग का रेडियस 0 हो जाएगा, लल्ला ये ऐसा थोड़ी है, इधर ही एलिमेंट है, यहाँ पे भी है, ये सेम बात, ये रिंग है ऐसा एलिमेंट, तो आप समझ गए कि 0 से π नहीं होगा, क्या होगा 0 से π/2, 0 से π/2। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर सिग्मा पाई 2π, ये कार्यक्रम खत्म हो गया है, ऊपर क्या बच गया है, ऊपर आपके लिए बच गया है आर बार आ जाएगा, और एक बच गया है साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बच गया है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपके लिए है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, आर बार ले लीजिए भले ही आप चाहें तो ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, नीचे डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, किसका इंटीग्रेशन है कॉस थीटा डी थीटा का। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो ऊपर है मैं क्या कर रहा हूं, वो साइन थीटा कॉस थीटा जो लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां से, और यहां पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू आर बाई 2 हो जाएगी, और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, अरे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया है साइन 2 थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, मैंने कहा 0 से लेके π/2 तक, और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 0 से π/2 कॉस थीटा डी थीटा, यहां पे भी है डी थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ आर बाई 2 साइन 2 थीटा का हो गया है माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ थीटा जो कि 2 है। लिमिट आपके पास कहाँ है, मैंने कहा 0 से लेके π/2 तक है, 0 से लेके π/2 तक है। सिमिलरली अगर आप नीचे देखें तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। अच्छा भाई साहब लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके π/2। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाइएगा कि भैया ये आपका जो है ये आपका r बाई 4 हो गया है, माइनस r बाई 4 है। अगर आप cos 2 थीटा में
पाई पाई बाई टू डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस पाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोस पाई बन जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। तो ये कार्यक्रम हो गया माइनस वन माइनस ऑफ कोस जीरो जो कि वन होता है डिवाइडेड बाई वन। ओ हो ऊपर हो गया है टू आर बटा फोर। ये क्या हुआ है, अरे ये तो आर बाई टू आ गया है। क्या आ गया है, आर बाई टू आ गया है। अरे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होता है, आर बाई टू दूरी पे होता है। रात को ढाई बजे कोई उठा के पूछे आपसे कि होलो हेमीस्फेयर का यूनिफॉर्म है, पहली बात यह ध्यान रखे ये यूनिफॉर्म है, उसका सेंटर से कितनी दूरी पे होता है, तो आप बोलिएगा भैया कि इस वाली लाइन पे कितनी दूरी पे, r बाई टू दूरी पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। अच्छा क्या सेंटर ऑफ मास पे ही mg लगता है, जब कब कभी भाई mg लगाएंगे ना अपन, mg वगैरह है कि नहीं, नॉर्मल ये फोर्स वो फोर्स दोबारा से लौट करके पढ़ तो ये ऐसे लिए रहेंगे ताकि फोर्सेस वोर्सेस कहां लगते हैं वो सब पता लगे। अब सोच के देख क्या सेंटर ऑफ मास पे mg कंसिडर करेंगे, हम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो आइटम रखा हुआ वहां पे जी का वेरिएशन नहीं है। क्या हमेशा ये कोई बोल दे कि भैया सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है तो उसको पास में बुलाना बिट्टा, ऐसा सेम नहीं होता है। वो तो तब सेम होता है जब सारे पार्टिकल पे जी की वैल्यू अपन सेम ले रहे हैं। ये बातें अपन लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं। तो हम अपने सवालों में एम जी कहां लगा देंगे, सेंटर ऑफ मास पे। तो एम जी कहां लगाएंगे ये इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके टॉर्क की बातें आएगी, है ना। फोर्स में तीन बातें होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होगा। अब फोर्स लगाना है कोई तो ऐसे रैंडम तो कहीं नहीं लगा सकते ना, तो mg कहां लगाएंगे। mg लगाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, लेकिन अब हमारे लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, सेंटर ऑफ मास पे। और सेंटर ऑफ मास कहां होगा, वही तो पढ़ रहे हैं यार, है ना, वही सीख रहे हैं। इसलिए भाई सेंटर ऑफ मास आप जो है होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास आपका सेंटर से r / 2 दूरी पे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लोग बोलेंगे भैया ये तो होलो का हमारे फिजिक्स में उतर गया है, अब आप बताइए कि सॉलिड हेमिस्फीयर का कैसे पता करेंगे। आप हेडिंग डालें सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। आपने वैसे तो आपने खुद से ट्राई किया होगा, नहीं किया है तो आप खुद ही वीडियो को पॉज मारिए, अभी यहीं पे मार दीजिए पॉज, और खुद रफ कॉपी में एटलीस्ट ट्राई कीजिए क्या आपका आंसर आता है। अगर आपका आंसर सही आता है और फिर अपन डेरिवेशन करते हैं वीडियो में मैच होता है, तो आप अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि वही आप सीख मतलब जो है ना वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम फिर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मोर देन रिक्वायर्ड आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। आप समझिए कि मास्टर क्या कर रहा है यार, मास्टर और आप में कोई खास डिफरेंस थोड़ी है ना, बस मास्टर ने पहले देख रखा होता है, आप बस अभी देख रहे हैं, हुनार बच्चे हैं आप, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर की जगह अपन क्या डाल देंगे, सॉलिड हेमिस्फीयर। क्या डाल देंगे, सॉलिड हेमिस्फीयर है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। अच्छा भाई साहब आहा बहुत बढ़िया, हमने क्या बनाया, हमने एक हेमिस्फीयर बना दिया। अच्छा स्फेयर का ही नहीं बना रहे, मैंने कहा यूनिफॉर्म होगा तो भाई उसके सिमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा ना, सेंटर पे ही हो जाएगा, स्फेयर का तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बढ़िया, ओहो हम क्या कर रहे हैं, इनका हमने यहाँ पे बना दिया है एक सॉलिड हेमिस्फीयर, ये है आपका एक सॉलिड हेमिस्फीयर, भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, यहाँ इसका सेंटर है और इसका रेडियस मान लीजिए क्या है, आर है। हमें किसकी तलाश है, हमें तलाश है सेंटर ऑफ मास की, किसकी तलाश है, सेंटर ऑफ मास की। माना कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्स है, सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि कहीं यहाँ पे यार होना चाहिए, कहीं यहाँ पे होना चाहिए, अब पता नहीं है एक्स में तो वाई कोऑर्डिनेट पता करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भैया किस तरह का एलिमेंट लें यार, कौन सा एलिमेंट लें, मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लें कि जिससे अपना काम चल जाए। अच्छा पहले बताते एलिमेंट हम ऐसा लेते हैं, वैसे एलिमेंट को जोड़ते जाएं तो ये बॉडी बन जाए, मतलब ऐसा नहीं भाई एलिमेंट ऐसा लेना चाहिए फिर इंटीग्रेशन हो जाए और ये पूरी बॉडी वैसी बन जाए, है ना। एलिमेंट कैसे लेते हैं ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, ऐसा नहीं रेंडम मैं तो कुछ भी ले लूंगा फिर उसे इंटीग्रेशन करके ये बनना भी तो चाहिए ना यार। अब कैसा एलिमेंट लूं कि मतलब मेरा काम बहुत आसानी से हो जाए, सोचिएगा आप। जैसे मैं एक मान लो कि भाई आर दूरी पे जाके, आर दूरी पे जाके मैं क्या कर रहा हूं, मैं आर दूरी पे जाके एक होलो हेमिस्फीयर ले रहा हूं, होलो हेमिस्फीयर ले रहा हूं
जिसकी थिकनेस क्या है, जिसकी थिकनेस मान लीजिए डी आर, जिसकी थिकनेस क्या है डी आर थिकनेस वाला, मैंने यहाँ पे जाके एक होलो हेमी स्फीयर ले लिया है। आप बोलेंगे भाई साहब इससे क्या फायदा होगा, मैंने कहा एक होलो हेमी स्फीयर, बहुत सारे होलो हेमी स्फीयर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो क्या बन जाएगा, अबे सॉलिड बन जाएगा ना सॉलिड स्फीयर यार, आधा प्याज काटा हुआ जैसे प्याज में स्लाइसेस होती है ना ऐसे, तो एक के ऊपर एक स्लाइस रखी तो वो सॉलिड बन गया यार। ओ ओ हो 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 हो, मैंने एलिमेंट कैसा लिया है। अच्छा एक बात बताइए, लैम्डा सिग्मा और रो में यहाँ क्या लेना चाहिए, आप खुद ही बोलिएगा भैया कि यहाँ तो मास वॉल्यूम में है तो इसमें रो लेना चाहिए, क्या होगा, मैंने कहा रो की वैल्यू होगी मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम है, तो आपके लिए टोटल 4/3 पाई आर क्यूब होती है, तो इसमें 2/3 पाई आर क्यूब कर दीजिए आप, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको क्या देगा रो दे देगा, जो भी मास है डिवाइडेड बाय इसकी वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये आपका रो के जी पर मीटर स्क्वायर है, लीनियर मास डेंसिटी है इसकी, हमने एलिमेंट ले लिया है, हमारा एलिमेंट जो है उसका मास डीएम है, उसका मास क्या है डीएम है, हमें इसको तलाश करना है, तो डीएम पता करने के लिए लाला रो इंटू डीवी करना पड़ेगा, भाई रो इंटू डीवी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो आपका जो डीवी है, डीवी तो इसकी वॉल्यूम है, डीवी क्या है इस वाले एलिमेंट की वॉल्यूम है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो मैं वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूं, अच्छा आप बताइए कि इसका एरिया क्या होगा, अगर पूरा होता तो आप बोलते 4πs कि कितना बोलते 4πr² है ना, तो ये आधा वाला है तो कितना होगा 2πr² 2πr², अरे 4πr² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ना, तो आधे वाले पार्ट का कितना हो जाएगा 2πr² 2πr² को किससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए, मैंने इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया है, एरिया इंटू हाइट किया तो मुझे क्या मिल गया है वॉल्यूम मिल गई है डीवी, और अगर मैं इस डीवी को रो से मल्टीप्लाई कर दूं, रो डीवी यहाँ रो कर दिया तो ये मुझे क्या मिल गया है, मुझे डीएम मिल गया है, मुझे क्या मिल गया है, मुझे डीएम मिल गया है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, अब आप सोच के बताइए कि जब अपन इंटीग्रेशन करने जाऊंगा वाई सी यू एम, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाई डीएम का इंटीग्रेशन में वाई क्या होना चाहिए, वाई हमारे डीएम वाले एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, हमारा जो डीएम वाला मास है वो क्या है, वो एक होलो हेमिस्फीयर है, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, मैंने कहा अभी सीख के आए हैं उसके रेडियस के आधे दूरी पे होता है, इसका रेडियस क्या है, मैंने कहा स्मॉल आर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मैंने कहा स्मॉल आर बाई टू पे है, कहाँ पे है स्मॉल आर बाई टू पे है, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा किसका डीएम वाले सेंटर ऑफ मास का। ओह तो ये आपका हो गया है r बाई टू, ये क्या हो गया है r बाई टू इंटू, आपको क्या करना है इंटू आपको करना है आपको dm से मल्टीप्लाई करना है, dm की वैल्यू क्या हो गई है आपके लिए, dm की वैल्यू हो गई है रो 2πr² dr। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, और नीचे रखा हुआ है रो 2πr² dr, आर स्क्वायर डी आर, अब आप ध्यान से देखें तो रो से रो उड़ जाएगा, 2π से 2π उड़ जाएगा, और ऊपर की तरफ आपके लिए आर आ, अच्छा लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, स्मॉल आर जो है वो जीरो से लेके कैपिटल आर तक जा रहा है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब ऊपर क्या बच गया है आर 1/2 बार ले लीजिए, नीचे आ गया 2, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये कट गया, ये अपना है आर क्यूब, क्या है आर क्यूब है, आर क्यूब का हो गया आर की पावर 4/4 है, आर की पावर 4/4 है, आर क्यूब का हो गया आर की पावर 4/4, तो यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है, मैंने कहा जीरो से लेके आर तक है, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो आर स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने कहा उसका इंटीग्रेशन होगा आर की पावर 3/3 है, लिमिट आपका जीरो से लेके आर तक है, ये वैल्यू क्या आ रही है, मैंने कहा ये वैल्यू आ रही है आपकी आर की पावर 4/8, ये क्या आ रहा है, ये आर की पावर 3/3, ये पूरा क्या हो जा रहा है, ये कट गया आपके पास भैया आर आ गया है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है 3r/8, क्या आ गई है 3r/8, रात को 2:30 बजे कोई उठा के पूछे कि सॉलिड स्फीयर सॉलिड हेमी स्फीयर यूनिफॉर्म है,
वो यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितनी दूरी पे है? तेरा जवाब होगा 3r/8 पे। तुझे याद होना चाहिए, याद होने का मतलब 3r/8 यहाँ लिख दिया याद रटता गया, क्या वैसा करना है? मैंने कहा नहीं, ये कोई कंपाउंड का कलर नहीं है ना, वैसी बातें अपन नहीं करते हैं। अपने आप से होमवर्क करते रहिए, सवाल सॉल्व करते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा भैया, है ना। और एक्सट्रीम केस में भूल जाए तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि निकालना कैसे है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत टफ करना होता तो क्या करता? मैंने कहा रो को फिर फंक्शन ऑफ आर देता। क्या देता? रो को फंक्शन ऑफ आर देता। रो को बहुत टफ करना होता तो ऐसे बोल देता रो इंटू रो नॉट इंटू आर या रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, तो फिर आपके रो की जगह ये वैल्यू डालनी पड़ती है और इंटीग्रेशन का योगदान वहां पे लगता यहां पे लगा। कुछ नहीं, रो नॉट जब कॉन्स्टेंट होता है तो बाहर आ जाता है, तो अब रो इंटू आर फंक्शन रहेगा या आर क्यूब, तो उसको इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी तब सवाल आप कर पाएंगे। खूब सारे सवाल आप देखेंगे बुकलेट वगैरह में, अपने साथ करेंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लोग बोलेंगे साहब ये जरूरी है कि हम लोग ऐसा एलिमेंट लें, क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि मैं हेमी स्फेरिकल एलिमेंट लूं? ये जरूरी तो नहीं है, मैं कोई और एलिमेंट ले सकता हूं, या फिर मुझे मतलब इस तरह का कोई सवाल दिया जाए जिसमें इसकी डेंसिटी आर की बजाय इसकी हाइट के साथ वेरी करे, तब कैसे करूंगा? क्या मुझे कोई और एलिमेंट लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो मैं एक और अल्टरनेट तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं। मास्टर ईमानदारी से अल्टरनेट तरीका भी बता रहा हूं, चंपक लाल की तरह सोया हुआ तो नहीं है ना, ईमानदारी से पढ़ तो रहा है ना, ईमानदारी से पढ़ते रहे, समझते रहे चीजों को, एक और तरीके से इसको देखते हैं कि यार किसी और तरीके से क्या सॉल्व किया जा सकता है। आप सोचिए कि यार डिस्क पे डिस्क रख दी जाए, बस उसका रेडियस कम करते जाओ, क्या बन जाएगा? भैया प्याज को ऐसे भी तो काट सकते हो, अरे प्याज की स्लाइसेस ऐसे है, उसको स्लाइस टिक 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 टिक, बड़ा डिस्क छोटा डिस्क छोटा डिस्क ऐसे डिस्क रखते जाओगे क्या नहीं बन जाएगा हेमिस्फीयर? तब भी तो बन सकता है, तब भी तो बन सकता है, तो क्या वैसा एलिमेंट लेके कर सकते हैं? हाँ वैसा एलिमेंट लेके भी किया जा सकता है। क्या करना चाह रहा है मास्टर? आप सोचिएगा, आप ये सोचिए कि भैया मास्टर क्या कहना चाह रहा है, मास्टर ये कहना चाह रहा है जी चल जाओ, मास्टर ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से वाई हाइट पे गया, कहाँ पे गया? वाई हाइट पे गया और एक पतला सा डिस्क ले लिया। क्या लिया है? ऐसा डिस्क ले लिया है जिसकी थिकनेस क्या है, जिसकी थिकनेस डी वाई है, जिसकी थिकनेस क्या है डी वाई थिकनेस वाला एक मतलब डिस्क ले लिया है ना। अच्छा, और उसका रेडियस मान लीजिए है स्मॉल आर, और ये वाली दूरी क्या होगी? मैंने कहा ये वाली दूरी तो कैपिटल आर है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, आर स्क्वायर छोटा आर का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर, वाई इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया, इसके लिए क्या डिफाइन है? मैंने कहा रो डिफाइन है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा इस डिस्क का मास डीएम पता करने के लिए मुझे रो इंटू डीवी करना पड़ेगा, रो इंटू एरिया मतलब डीवी इज वॉल्यूम, तो वो क्या होगा? मैंने कहा एरिया इंटू हाइट है, एरिया इंटू वाइट है, हाइट एरिया क्या होगा? मैंने कहा रेडियस अगर इसका स्मॉल आर है तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर सॉरी, तो यहां मुझे R चाहिए कौन सा वाला, स्मॉल वाला, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? स्मॉल वाले R को अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब ये आपका हो गया एरिया इंटू आपने डी वाई कर दिया तो ये आपको मिल गई वॉल्यूम, और वॉल्यूम को आपने रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया आपको? डीएम। अब आपको क्या चाहिए? मैंने कहा डीएम के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स वाला तो जीरो ही होगा, वो यही होगा, वो कहां होगा? यही होगा। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई ही हो जाएगा। तो आपका जो है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जब आप वाई सी यूएम पता करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा जो डीएम है उसका वाई कोऑर्डिनेट टू सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट वाई हो गया है, तो आपका हो जाएगा वाई इंटू रो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डीएम का इंटीग्रेशन, यानी कि रो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। वाई की लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेके कैपिटल आर तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, रो पाई कट जाएगा, बारह के कॉन्स्टेंट है, और अंदर का खेला खेलते हैं अपन, अंदर का खेला
खेलते हैं, क्या आएगा अंदर का खेल आप खेल सकते हैं वैसे तो। अब आप ध्यान से देखिएगा तो पहले वाली टर्म आएगी आपके पास आर स्क्वायर इंटू वाई और वाई का इंटीग्रेशन होगा बस ध्यान रहे यहां पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा। आर स्क्वायर इंटू वाई, वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू है। दूसरी टर्म क्या आएगी, मैंने कहा यहां से वाई क्यूब आएगा जो कि y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 होगा, यानी कि r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा इनका। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, ओ हो हो। और अगर अपन ध्यान से देखें नीचे की तरफ क्या होगा, मैंने कहा नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे है आपका आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर है इंटू डी वाई है, तो वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया यानी कि ये आर क्यूब हो जाएगा और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके लिए हो जाएगा y क्यूब डिवाइडेड बाय 3, अपर लिमिट डाल दीजिए लोअर लिमिट डाल दीजिए तो ये r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास r की पावर 4 बाय 2 माइनस r की पावर 4 बाय 4 है तो ये तो आ गया आपके पास r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 है। नीचे की तरफ क्या है 3r क्यूब माइनस r क्यूब तो ये आपके पास 2r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 है, 2r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है। ओहो ये क्या हुआ, ये तो r आ गया है, अरे ये क्या हुआ 3 ऊपर चला गया, 3r डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8 हो गया है, 3r डिवाइडेड बाई 8 जो है ये आपका आंसर हो गया भाई साहब, 3r डिवाइडेड बाई 8। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है, कल को तुम्हें कोई टफ सवाल दे कि डेंसिटी जो है रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू वाई स्क्वायर इस तरह से वेरी कर रही है तो ये मेथड से आप सॉल्व कर पाएंगे, पुराने वाले से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक फायदे का सौदा हुआ कि एक और तरीका आपको लगा कि कल को और कोई टफ सवाल बनाया जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। मर गए क्या, मरे तो नहीं, मरना नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। किसी क्रांतिकारी के मन में आया, कि अगर आपको डिस्क ही लेनी है, तो हमारे मन में एक विचार है, हमारे हिसाब से एक डिस्क ले लो। कैसी डिस्क लो, उन्होंने बोला कि भाई डिस्क ही तो लेनी है तो आप ऐसे वाई पे जाके डी वाई वाला डिस्क आए ले लो, हम आपको बताते हैं कैसे डिस्क लेना है, बताइए जरा। उन्होंने बोला भैया कि यहां से आप थीटा पे जाइएगा, मैंने कहा ठीक है, फिर आप क्या कीजिए कि डी थीटा का एलिमेंट ले लीजिए, मैंने कहा ठीक है इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये वाली दूरी आपको आर डी थीटा आ गई है ना, आर डी डी थीटा। उन्होंने बोला कि ये जो डिस्क आपने ऐसी ली है मतलब ये ऐसी डिस्क हो जाएगी, इसका रेडियस तो आपके लिए आर कॉस थीटा आ जाएगा, मैंने कहा हाँ अब कर लो लिमिट लगा दो, थीटा जाएगा जीरो से पाई, जैसे आपने रिंग लेके किया था वैसे आप डिस्क लेके लेके कर लो, भाई कर सकते हैं ना जीरो से पाई बाय टू करके। लेकिन जब आप पूरा साल करेंगे तो आंसर अलग आएगा यानी गलत आएगा। अब आपको सोचना चाहिए कि गलती कहां हुई, क्या गलत है इसमें, क्या चीज गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाइएगा कि आपका जो एलिमेंट है वो इस तरह का है, कैसा है वो इस तरह का है, वो इस तरह का है और वहां पिछले वाले केस में आपके पास जो हाइट हुआ करती थी वो डी वाई ये वाली थी, आपने एरिया इंटू डी वाई कर दिया और फिर क्या किया इसे इनफाइनाइट स्मॉल का सम कर दिया। पर इस बार आप जो हाइट लेंगे वो हाइट आपको ये आर डी थीटा है जो कि स्लैंट हाइट है, जो कि ये हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट होगी। और अगर आपने सीधा इसको इंटीग्रेट कर दिया एरिया को डी ए को ऐसा लिख दिया रेडियस आपके पास पाई आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये आपका एरिया हो गया इंटू आर डी थीटा इंटू आपने रो कर दिया तो ये आपका रो इन सॉरी डीवी आपका आपने निकाल दिया एरिया आपका पाई आर स्क्वायर से आ गया इंटू आर डी डी थीटा वॉल्यूम आ गया इंटू रो कर दिया तो ये आपके पास आ गया डीएम। अगर ये डीएम मान के सेंटर ऑफ मास मान के इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्यों, क्योंकि आप हाइट में आर डी थीटा की नहीं लेना चाहिए, आपको ये वाली हाइट लेनी चाहिए आर डी थीटा, वहां पर स्लैंट हाइट है तो वो एरर आएगी। और एक एलिमेंट में ऐसे खूब सारे एरर ऐड कर दोगे, सिग्मा इंटीग्रेशन तो सिग्मा ही है ना, तो ऐसे खूब सारे एरर को ऐड करेंगे तो बड़ी सी एरर आ जाएगी, आंसर गलत आ जाता है। तो ऐसी डिस्क आपको नहीं लेनी है, जस्ट मास्टर आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा है। कैसे डिस्क लेनी है, वाई पे जाके डी वाई थिकनेस की ऐसी डिस्क लेनी है ना,
वाई पे जाके डी वाई थिकनेस की डिस्क लेनी है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो ये था आपका सॉलिड स्फीयर का, आपने क्या निकाल दिया है, सॉलिड हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास पता कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में किसी और का सेंटर ऑफ मास पता करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। किसका पता कर लें, कोन वोन का पता कर लें क्या, सॉलिड कोन का पता कर लेते हैं। सॉलिड कोन है, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, ऑफ सॉलिड कोन कैसे पता करिएगा सॉलिड कोन का, ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा हमारे लिए सॉलिड कोन। सॉलिड कोन हमारे पास क्या है, देखा हमारे पास एक कोन है, क्या है ये कोन है, कौन सा वाला, आइसक्रीम वाला कोन जो है ना, ऐसा कोन है जिसका रेडियस क्या है, आर है, जिसकी हाइट क्या है, एच है, और ये कैसा है, ये सॉलिड है, भरा हुआ है, कैसा है, भरा हुआ है। ओहो यूनिफॉर्म है बाय डिफॉल्ट, क्या डिफाइन होगा, आप बोल देंगे साहब वो डिफाइन होगा मास डिवाइडेड बाय ए वॉल्यूम, और वॉल्यूम होती 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना केजी पर मीटर क्यूब, ये डिफाइन होगा भाई साहब, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। हमको क्या चाहिए, इनका हमको चाहिए भैया सेंटर ऑफ मास, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरे लिए वाई एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास हमको कहीं लगता है कि कहीं यहाँ पे होना चाहिए, ज्यादा नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि नीचे मास ज्यादा है, आहा, पर कहाँ होगा नीचे, ये हमें पता करना है। क्या करना चाहिए हमको, क्या है, किस तरह का एलिमेंट लेना चाहिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए, तो आपका मन अंदर ही अंदर बोल रहा होगा कि डिस्क के बगैर काम चलने वाला नहीं है, कोई और जुगाड़ नहीं बैठेगा, तो अपने क्या करना पड़ेगा, डिस्क लेनी पड़ेगी। सिमिलरली आप वाई हाइट पे जाइएगा, y हाइट पे जाइए और एक dy थिकनेस की, कितनी dy थिकनेस की डिस्क ले लीजिए, dy थिकनेस की आपने एक डिस्क ले ली। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत, ओ हो ये जो dy थिकनेस की आपके पास डिस्क है, ये जो dy थिकनेस की आपके पास जो डिस्क है, ओह इसका मास क्या होगा, अच्छा उसके लिए पहले इसका एरिया निकलना पड़ेगा, माना कि इसका रेडियस r है, ओ हो ये h है, टोटल h है, ये y है, तो ये वाली क्या होगी, मैंने कहा h माइनस y। अगर आप tan थीटा यहां से लिख दें बड़े वाले ट्राइंगल में, कौन से वाले, ये तो यहां से क्या आएगा, मैंने कहा यहां से आ जाएगा r अपॉन h, ये r है, टोटल h हो गया है, स्मॉल वाले ट्राइंगल यहां पे लिखिएगा तो आपका हो जाएगा r अपॉन h माइनस y। तो यहां से स्मॉल r क्या आ रहा है, r h माइनस y डिवाइडेड बाई h है, ये आपके पास आ गया है स्मॉल r। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत, हमको क्या चाहिए, हमको इसका डीएम चाहिए, कैसे मिलेगा, मैंने कहा अगर डीएम चाहिए तो रो इंटू डीवी कर दीजिए, है ना, ओ हो तो डीवी पता करने के लिए पाई आर स्क्वायर से, ये क्या डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, ये है स्मॉल आर है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच माइनस वाई का स्क्वायर, हाँ भाई साहब ठीक कर रहा हूं मैं, हाँ आर पाई आर एच माइनस वाई एच स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया। अब क्या करेंगे, मैंने कहा डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया है, ये वॉल्यूम मिल गई है, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रो से, क्या मिल गया है, डीएम मिल गया है, कैसा एलिमेंट है, डिस्क है, कहां होगा सेंटर ऑफ मास, मैंने कहा यही होगा, क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट, मैंने कहा इनका वाई ही होगा, ओ तो अगर आपको y com चाहिए तो आपके dm का इंटीग्रेशन का कोऑर्डिनेट भी y हो गया है, और यहां पे डाल देंगे रो पाई r स्क्वायर बाई h स्क्वायर इंटू h माइनस y का स्क्वायर इंटू dy है, लिमिट आपकी कहां तक जा रही है, जीरो से लेके h तक, नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आपके पास आएगा, नीचे की तरफ आपका डीएम का इंटीग्रेशन, यानी कि रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई, लिमिट कहां से कहां तक, मैंने कहा जीरो से लेके एच तक, रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर की तरफ है आपके पास, तब थोड़ा सा बड़ा सा इंटीग्रेशन करेगा, आंसर वैसे एच बाई थ्री एच बाई फोर आएगा, एच बाई
फोर आएगा, मान लो, मान लो भैया, मान लो मेरा, मान लो करे कर ले y into h minus y का whole square है। ये आपके पास integration बच गया ऊपर की तरफ जीरो से लेके h y h minus y का whole square dy, नीचे की तरफ क्या है h minus y का, h minus y का whole square, h minus y का whole square into dy है। अच्छा क्या करें, क्या क्या करें, क्या करें, क्या क्या करें, हाँ हाँ लिमिट चेंज कर देंगे, खोलना पड़ जाएगा। चलिए खोल ही देते हैं यहाँ, ये वाली टर्म आपके लिए क्या हो जाएगी, यहां से आपके लिए पहली टर्म आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच वाई, तो इसको जब खोलिएगा तो एच स्क्वायर वाई माइन प्लस वाई क्यूब माइनस टू एच वाई स्क्वायर, मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन करना है, और नीचे की तरफ मैंने कहा नीचे की तरफ तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच वाई का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओहो हो हो हो, तो एच स्क्वायर वाई लिमिट कहां तक, जीरो से लेके एच, जीरो से लेके एच है, एच स्क्वायर पहला टर्म आ गया है, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, यानी एच स्क्वायर बाई टू, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ गया है, प्लस आपके पास है वाई टू, कुछ इसका हो जाएगा वाई की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, तो ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर माइनस ऑफ टू एच है, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, यानी कि एच क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री है, ये कार्यक्रम ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या होगा, मैंने कहा एच स्क्वायर इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया है, तो ये एच क्यूब हो जाएगा, प्लस ये वाई स्क्वायर है वाई क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री आएगा, यानी कि एच क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री आ जाएगा, ओहो हो माइनस ऑफ टू एच है, वाई का वाई स्क्वायर बाई टू होगा, तो ये एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ गया है, ओहो हो, तो ये एच क्यूब और ये एच क्यूब तो खत्म हो गए, नीचे बचा एच क्यूब बाई थ्री है, ये एच क्यूब बटा थ्री बच गया है, मैंने कहा ठीक है एच क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री है। ऊपर क्या है आपके लिए, ऊपर आपके लिए एच की पावर फोर प्लस, ये आपके लिए कितना हो गया है टू बाई थ्री, सॉरी क्या हो गया आपके ऊपर की तरफ एच की पावर फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस एच की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू एच की पावर फोर डिवाइडेड बाई थ्री है, तो एलसीएम आप ले लीजिए कि कितना है, 12 ले लीजिए कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो आपके लिए जो है ये आपका 6 एच की पावर 4, ये आपका 3 एच की पावर 4, और ये आपका हो गया माइनस 8 एच की पावर 4, 6 और 3 हो गए 9 माइनस 8, यानी कि आपका हो गया है 1, आपका क्या बच गया है 1 ही बचा, हाँ एच की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका हो गया है एच की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा भाई साहब तो ये कट गया आपके लिए कितनी बार, एक बार, यानी एच बच गया है और ये कट गया है 4, ओ हो हो, मास्टर ने साबित कर दिया है कि एच बाई 4 ही आंसर आ रहा है ना, पता नहीं अब कैमरा में कुछ बोलता नहीं है कि हम कर लेंगे, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, हाँ तो ये हो गया ना एच बाई फोर। रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे कि कहाँ एच बाई फोर, कहाँ से, बेस से चंपकलाल, ऊपर से नहीं, यहां से बेस से कितना ऊपर जाना है एच बाई फोर जाना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, किसका, सॉलिड कोन का, क्या है ऐसा कोन, ये यूनिफॉर्म कोन है, अगर हाइट के साथ उसकी डेंसिटी वेरी कर रही होती, कुछ मान लो रो नॉट इंटू वाई होता तो रो की जगह रो नॉट इंटू वाई डालते और इंटीग्रेशन कर लेते, जो भी फंक्शन था, डरने हताश परेशान निराश होने की कतई जरूरत नहीं है, वैसे भी अपन जरूरत से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं इसमें। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, वक्त क्या हुआ है हमारे पास, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो कि एच बाई फोर आ गए, एक आध और निकाल लेते हैं, एक आध और निकाल लेते हैं, सॉलिड कोन के बाद आप हेडिंग डालिए, सॉलिड कोन के बाद आप हेडिंग डालिए ट्रायंगुलर प्लेट, इसका ट्रायंगुलर प्लेट का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर प्लेट हेडिंग डाल दीजिए, सेंटर ऑफ मास फिफ्थ वाला, सेंटर ऑफ मास फॉर ट्रायंगुलर प्लेट, सेंटर ऑफ मास फॉर ट्रायंगुलर प्लेट, फोर की जगह क्या हो जाएगा, फोर की जगह कर देते हैं फाइव, और सॉलिड कोन की जगह ट्रायंगुलर प्लेट,
5 center of mass of triangular plate. ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब. मान लीजिए कि हमने ट्राइंगुलर प्लेट ले ली है ऐसी, ये ट्राइंगुलर प्लेट है, हो है ना. और मान लीजिए कि ये वाली इससे इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये वाली हाइट h है और ये वाली दूरी मान लेते हैं कि 2d मान लेते हैं, तो d एंड d मान लेते हैं. और इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, मैंने कहा इसके लिए डिफाइन करेंगे सिग्मा. मान लीजिए इसका मास m है डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, एक बटा दो, बेस की लेंथ है 2d इंटू आपका हाइट है h, इतना केजी, इतना केजी पर मीटर स्क्वायर. ये आपके लिए सिग्मा हो गया. मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत. हो मान लीजिए कि मेरे लिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है, और ये वाली क्या है वाई एक्सिस है. अब मैं चाहता हूं कि सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट पता कर ले, तो आप सिमेट्री से बोलेंगे कि भैया एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है, एक्स तो जीरो है, मैं चाहता हूं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है ये पता कर डालू. मैंने कहा अच्छा, ओहो क्या किया जाए, वैसे तो लग रहा है कि कहीं यहां पे होना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट से इधर होना चाहिए क्योंकि इधर का मास ज्यादा है. अच्छा अच्छा अच्छा, जहां मास ज्यादा होता है सेंटर मास उतना ही उसके पास में होता है ना. अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत. अच्छा अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एलिमेंट लेना है, कैसा एलिमेंट लिया जाए सोचिएगा. हमको कैसा लग रहा है कि भैया वाई पे जाके एक रॉड ले लेते हैं, कैसी ऐसी रॉड ले लीजिए, ऐसी एक रॉड ले लीजिए जिसकी मोटाई डी वाई हो, ऐसी खूब सारी रॉड बगल में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा लल्ला, क्या बन जाएगा, ये आपका ट्राइंगुलर प्लेट बन जाएगा. इस रॉड की लंबाई मान लेते हैं कि 2r है, ये r हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, आर टू आर होगी. ओ हो, ये आर तो वेरिएबल है लेकिन वैसे ही निकाल देंगे अपन. ये h है तो ये वाली दूरी h माइनस वाई हो जाएगी. और ये एंगल थीटा मान लीजिए, टेन थीटा लीजिए बड़े वाले ट्राइंगल में, जो कि आपके लिए क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई h है, दैट मस्ट बी इक्वल टू छोटा वाला ट्राइंगल में लिखिए तो हो जाएगा r डिवाइडेड बाई h माइनस वाई. अच्छा मैं r को हटाना क्यों चाह रहा हूँ पता है ना आपको, अरे भाई r और h अगर दोनों y अगर दोनों ही वेरिएबल होगा r तो फिर इंटीग्रेट कैसे करूंगा, तो मैं r को y की टर्म में लिख दूंगा फिर y की लिमिट लगा दूंगा. तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, डी बाई एच इंटू एच माइनस वाई, डी माइनस डी बाई एच इंटू एच माइनस वाई. इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी लंबाई है आपके लिए 2r, लंबाई क्या है 2r है, मोटाई क्या है, मोटाई है इसका डी वाई. तो एरिया क्या होगा डी ए, मैंने कहा एरिया हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी बटा एच इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई, इतना एरिया हो जाएगा, इतना एरिया हो जाएगा. अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत. अब क्या कीजिएगा, अब भैया सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे सिग्मा से मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिग्मा से मल्टीप्लाई, ये क्या मिल गया है, ये आपको डीएम मिल गया, ये क्या मिल गया है आपको डीएम मिल गया है. अच्छा है भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत. अब अगर डीएम मिल गया है, डीएम मिल गया तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होगा, यहीं पे मिड पॉइंट पे होगा रॉड के में, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो वाई हो गया. तो अपने को अगर वाई सी यू एम चाहिए इस पूरी का, तो हमारे एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई सेंटर ऑफ मास का. और मास क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए सिग्मा टू डी वाई एच इंटू एच माइनस वाई डी वाई. नीचे मैंने कहा डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन क्या है सिग्मा. मास्टर सारे डेरिवेशन मास्टर से करवा रहे हैं, आगे वाले चैप्टर में खुद करना होगा, याद रखना h माइनस वाई डी वाई. अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से लेके h तक. y कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से लेके कैपिटल h तक, जीरो से लेके कैपिटल h तक, जीरो से लेके कैपिटल h तक. अच्छा ओहो, तो ये सिग्मा से सिग्मा काट सकता हूँ, 2d से 2d काट सकता हूँ, h से h काट सकता हूँ. तूने तुरंत h माइनस वाई से h माइनस वाई काटा, dy से dy काटा. अगर ऐसा क्रांतिकारी काम किया है तो ऐसा मुट्ठी भर के पानी लेने का और मुंह पे मारने का है ना भैया, ऐसा नहीं कर सकते h माइनस वाई पे h माइनस वाई मर जाए. सांप लगाए यार, ये बाहर आए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फिर काटा है ना, ऐसे सांप के अंदर नहीं काटते, समझ आता है ना. हाँ. अब आप ध्यान से देखिए तो आपके पास ऊपर जो कार्यक्रम बचा हुआ है वो है, मान लो ना यार आंसर h बाई थ्री आता है, कर लो h ऊपर आ गया है आपका, h y क्या हो गया है, h y माइनस y स्क्वायर.
dy का इंटीग्रेशन नीचे आपके लिए क्या है, मैंने कहा h माइनस y ही है, dy का इंटीग्रेशन ही तो बहुत ही सस्ता सा ही है, 0 से h, 0 से h। ओ हो, ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो h y है, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, h y का इंटीग्रेशन क्या हुआ, मैंने कहा y स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट आप डालेंगे तो वो हो जाएगा h इंटू h स्क्वायर बाई 2, मैंने कहा ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। फिर आप ध्यान से देखिए, फिर अगर आप ध्यान से देखिए y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलेंगे राव ये तो y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो ये कार्यक्रम हो जाएगा आपका h क्यूब डिवाइडेड बाई 3, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। फिर नीचे की तरफ h माइनस y, h का हो जाएगा h इंटू डिवाई यानी कि h स्क्वायर हो जाएगा, y का y स्क्वायर बाई 2 यानी कि h स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये लिखा हुआ है आपका h क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस h क्यूब बाई 3 माइनस h क्यूब बाई 3 है, अच्छा तो ये पूरा कार्यक्रम क्या हो जाएगा, 6 आपका s वो आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि h की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई, अगर आप ध्यान से देखें 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 2 यानी कि h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। ओ हो, ये आपका h आ गया है, ये आपका 3 आ गया है, यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा h बाई 3 है। बहुत ही मतलब कभी कभी काम आता है, आपको याद होना चाहिए रात को ढाई बजे भी आपको कोई पूछे तो h/3 कहां से, मैंने कहा बेस से इतनी हाइट पे आपके लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। मैंने कहा अच्छा, और भी बहुत सारे हैं जैसे होलोफोन हो गया, ये हो गया, लेकिन वो काफी ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, यही सब हमारे काम आते हैं सवालों में। ये नहीं पूछेगा कि डिराइव कीजिएगा चंपक लाल, ये फॉर्मूले में कहीं काम आएगा, फोर्स कहां लगाना है, सेंटर ऑफ मास पे लगाना है ना, तो सेंटर ऑफ मास होगा कहां ये पता होना चाहिए ना आइटम। हाँ तो बहुत अच्छे से ये सब पता करके जाने का, दुनिया को टफ लगते हैं ये सब, मतलब दुनिया को फिर ये सब ये ध्यान रखना, फिर आगे वहां पे फोर्स लगेगा, फिर टॉर्क लगेगा, फिर तू फैल जाएगा कि अपने बस की बात नहीं है, इसलिए पहले से ही जागते रहना है। मास्टर आपको अलर्ट कर रहा है, डरा बिल्कुल नहीं रहा है मास्टर, तो आपको बार बार कह रहा है कि आप बहुत होनहार बच्चे हैं, आपसे नहीं होगा तो इस देश में होगा किससे। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो अभी तक अपने 5 डेरिवेशन किए हैं, ये 5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 5 याद होने चाहिए। आप अपने हिसाब से अपना ट्रिक बना सकते हैं, मार्केट में इसकी खूब सारी ट्रिक भी है। जैसे मान लो कि हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा था हाफ रिंग है। अगर अपन समरी की बात करें, किसकी बात करें, समरी क्या है, अब जरा ध्यान से देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा ध्यान से, अच्छा इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन सनी देओल या श्रीदेवी जो भी आपको अच्छा लगे, टिक अलग अलग और भी बहुत सारे टिक मार्केट में अवेलेबल है, 4-3-2-2-3-4 ठीक है, 4-3-2-2-3-4 यहां पे आएगा पाई 3 पाई, आपको तो याद रखना पड़ेगा नल्ला, यहाँ 8 3 पाई और यहाँ 8। अच्छा ये क्या है, मैंने कहा ये हाफ डिस्क है, ये क्या है हाफ डिस्क, इसका कितना आंसर आया था, इंटू आर कर दीजिए, इंटू एच कर दीजिए, ये क्या है 4r/3π हाफ डिस्क आया था, 3r/8 किसका आया था, मैंने कहा ये है आपके लिए हेमी स्फीयर। मैंने कहा अच्छा भाई साहब ये कौन है, मैंने कहा ये हाफ रिंग है, कौन सा वाला हाफ रिंग है। आप बोलेंगे साहब ये तो फिर यही सब फॉर्मूला पहले बता देते, काहे इतना डेरिवेशन करके हमको परेशान किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका क्या है, ये है आपका होलो हेमी स्फीयर आपके लिए ये हो जाएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत ही खूबसूरत। ये क्या है, ये है आपका लिए ट्राइंगुलर प्लेट, ये है ट्राइंगुलर प्लेट है, और ये कौन है,
ये कौन है भैया प्लेट, ये कौन है भैया, ये है आपके सॉलिड कोन, ये कौन है सॉलिड कोन है। बाकी आपको ये जैसे हाफ डिस्क है और हाफ रिंग है, अगर मान लीजिए कि ये हाफ रिंग ना हो, कैसी रिंग हो, मैंने कहा अगर ये टू अल्फा बना रही हो तो यहाँ से ये वाली जो दूरी है, ये जो रिंग है आपकी, रिंग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये जो टू डी है इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे लिए, आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। और अगर वो डिस्क है, डिस्क में ऐसा कार्यक्रम हो कि ये वाला एंगल आपके लिए क्या हो, टू अल्फा हो, तो ये वाली दूरी जो है, ये डिस्क है भैया, ओहो ये दूरी डी क्या आई है, टू बाई थ्री आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, टू बाई थ्री आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, ओहो, क्या ये आपको ये भी ध्यान रहेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अल्फा किसने होना चाहिए, इन रेडियन, किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। कुछ लोग बोलेंगे यही बता दीजिए पहले, अच्छा याद कैसे रखना है इसको, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी सनी देओल, सनी देओल हाँ, मतलब श्री देवी या कुछ भी अपना ऐसा ट्रिक बना लीजिए, मार्केट में ऐसी खूब सारी ट्रिक आपके लिए अवेलेबल है। वैसे भी आपको कुछ बहुत टफ है क्या सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सॉलिड कोन में कितनी दूरी पे होता है, h बाई फोर पे, ट्राइंगुलर प्लेट में h बाई थ्री पे, होलो हेमिस्फीयर में r बाई टू पे, हाफ रिंग का 2r बटा पाई पे, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8 पे एंड 4r/3 पाई पे क्या होगा, हाफ डिस्क का होगा, 4r/3 पाई पे हाफ डिस्क का होगा। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, लोग बोले मजा आया मतलब ये सब पढ़ने का, अब क्या किया जाएगा इन सब का, मैंने कहा अब इसके सवाल बनेंगे। अब हमको पहले क्या देखना चाहिए, मैंने कहा टाइम देख लेना चाहिए, क्योंकि सवालों का सिलसिला जब शुरू होगा तो लंबा चलेगा। एक आध सवाल देखते हैं फिर अपन और सवाल खूब सारे किसमें देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्योंकि अभी हमको लग रहा है वक्त होने को आया है, कितना सारा हुआ होगा, हो गया होगा एक आध घंटे के आसपास, 50-60 मिनट। सवाल एक आध सवाल देखते हैं, बहुत अरे सवाल बहुत आसान लगेगा आपको, सवाल से तो बिल्कुल परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या पूछूं मैं आपसे, ये पूछूं कि मेरे पास एक इस तरह का प्लेट है, क्या है ई तरह का प्लेट है, कैसा है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, और जिसकी भुजाओं की लंबाई है 2a स्क्वायर प्लेट है, और यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ पे आगे क्या रखा हुआ है, मतलब जो इस तरह का प्लेट है, इस तरह का प्लेट है, इस तरह का प्लेट है, ये क्या है, मैंने कहा ये आपका हाफ डिस्क बन के चिपकाया हुआ है ना। आपको कोई बोल दे, कि भैया हमारे पास जो है आई इसके सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे 0.0 है, आप COM यानी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताइए, आप क्या कीजिए COM के कोऑर्डिनेट बताइए इस पूरे प्लेटफॉर्म का, 2a 2a 2a, ये वाली लेंथ भी है 2a और वो डिस्क यूनिफॉर्म है। आपसे पूछा जाए कि भैया इसका जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, आपको कोई पूछ ले तो बताइए, सोचिए कि कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, हमको तो अच्छा मान लीजिए कि डिस्क नहीं होती, मान लीजिए कि ये डिस्क नहीं होती तो ये वाला पार्ट होता, अच्छा इतना ये वाला पार्ट होता और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, यहाँ होता, और डिस्क का कहाँ होता, मैंने कहा डिस्क अकेली होती तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है ना भाई साहब, और जितना मास होता है उसको उसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ये यूनिफॉर्म है और तो मैं इसके लिए सिग्मा डिफाइन कर रहा हूँ, आप भी सिग्मा ही डिफाइन करेंगे। तो जो स्क्वायर प्लेट है इसका मास मैं m1 बोल देता हूँ, जो कि होगा एरिया, एरिया हो जाएगा आपका 4a² × σ, क्या बोलते हो, अरे भैया ये इंटू ये हो गया है, 4a² × σ कर दिए हैं तो क्या मिल गया है, आपको मास मिल गया है, और ये वाले पार्ट का एरिया होगा, एरिया क्या होता है, πr² / 2 हो जाएगा, πr² / 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका r की वैल्यू, ये पूरा 2a है ना, तो ये a, r की वैल्यू a हो गई है, तो πa² / 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा भैया, अच्छा इंटू सिग्मा कर देंगे तो क्या इसका डिस्क वाले का मास मिल जाएगा, हाँ
तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये मेरे लिए x एक्सिस हो, ये मेरे लिए y एक्सिस हो, तो ये m1 पूरे को मैं यहां मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस m1 का सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे ही होगा यार, और m2 का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? मैंने कहा यहां पे होगा। और ये वाली दूरी क्या होगी? सोच के देखिए, ये वाली दूरी क्या होगी? कितनी दूर पे होता है हाफ डिस्क का? हाफ डिस्क का फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, 4r/3π। भूल जाए तो क्या करें, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी टिकट देखते 4 3 2 2 3 4 पाई 3π एट ये आपका आर हो गया, तो यह हाफ डिस्क का हो गया 4r/3π। यानी कि ये वाली दूरी क्या है आपके लिए? 4r/3π है, 4r/3π है। यानी कि ये वाली दूरी r आपका a है, 4a/3π क्या हो जाएगा? 4a/3π, 4a/3π। मैंने कहा अच्छा, फिर ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैंने कहा m1 यहाँ पे होगा, m2 यहाँ पे होगा, इसका x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया है, y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट बताइए, x कोऑर्डिनेट बताइए भैया, x कोऑर्डिनेट बताइए। ये दूरी क्या होगी? मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी, क्योंकि टोटल 2a है, a+4a/3π। यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? a+4a/3π, a+4a/3π ये कोऑर्डिनेट हो जाए। अब बताइए कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? मैंने कहा इनके बीच में कहीं होगा। y तो 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। x आपको xum से मिल जाएगा, तो xum की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा m1 into 0, m2 into, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। वैसे भी आप अगर xum चाहिए तो आप क्या करेंगे, m2 into, अरे भाई r1, अगर आपको r1 चाहिए तो क्या, ये मास डिवाइडेड इनटू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल मास, वैसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, m1 into 0 plus m2 into, आपके लिए m2 into, m2 की वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू है पाई ए स्क्वायर बाय 2 सिग्मा, पाई ए, ये आपका m2 हो गया है, इंटू x2, यानी कि a+4a/3π है, a+4a/3π। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, कोई कुछ बोल भी तो नहीं रहा है ये। m1 into a, डिवाइडेड बाई टोटल मास जो कि m1 plus m2 हो जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा 4a² sigma + πa² sigma/2। तो यहाँ पे है ना, आप ध्यान से देखिएगा, तो a स्क्वायर सिग्मा तो कट जाएगा आपके लिए, बाकी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अरे भैया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपके लिए ए स्क्वायर आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, ए स्क्वायर सिग्मा को उड़ा दीजिए, बचे कुचे को सॉल्व कर दीजिए, यानी कि ऊपर आपका क्या रह गया है, ऊपर आपका रह गया है पाई बाई टू, तो ये इधर भेज देंगे तो पाई ए बाई टू आ जाएगा, और पाई बाई टू से ले जाएंगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा, टू से वो कट जाएगा, तो वो 2a/3 आ जाएगा, है ना, पाई से पाई, हाँ टू से, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। नीचे की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ आपके पास है, इमोशनल क्यों हो रहे हैं इतना, यहीं पे, ये यहीं पे छोड़ देते हैं भाई, ऐसी डेटा मर्जी से दिए हैं, इतना कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो भी है ना, अरे ठीक है, होगा भाई कुछ भी बीच में कहीं आ जाएगा, है ना, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, वैल्यू अच्छा दिया होगा तो अच्छा भी आंसर आ सकता है। 1 मिनट, सवाल खत्म नहीं हुए, आज का टाइम खत्म हुआ, कल को मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेट और एड कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, परेशान होने वाले लोगों में से तुम बिल्कुल भी नहीं हो, है कि नहीं यार? अच्छा, इसकी जगह सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री होती है सी, तो कर लेते क्या, ये आपकी क्या बन जाती, रिंग बन जाती है ना। तो इस तरह की खूब सारे सवाल अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं, फिर और टफ करना हो, और अगर टफ करना हो तो मैं एक सवाल आपको टफ करके होमवर्क में देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे बगैर पढ़ाए सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको, एक सवाल लेते हैं जस्ट होमवर्क में, और फिर खेला को रोक देते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में फिर खूब सारे इसके सवाल सॉल्व करेंगे और आगे बातें करेंगे। आगे बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको, बस बिल्कुल ये फॉर्मूला और ये सब अभी तक का ज्ञान पढ़ के आ जाए, क्योंकि अब यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन, मतलब कुछ सवाल इसके लेंगे और फिर कैलकुलेशन खत्म है, फिर अपन अच्छे से पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मजा आएगा, मतलब रॉकेट उड़ेगा, ये वो है ना, बहुत सारी बातें जो है, खूब सारी अपन बातें करने वाले हैं, अच्छी अच्छी, मजा आ जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें
मैं आपसे एक होमवर्क में सवाल देना चाह रहा हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे पास एक रोटी है, यानी ऐसा पिज्जा टाइप का आइटम, मान लीजिए बहुत बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा पिज्जा टाइप का आइटम है। मैंने कहा अच्छा, मान लीजिए कि इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है 2r। क्या है? 2r है। मैंने कहा अच्छा, ओ यूनिफॉर्म है, ऐसा बड़ा सा है ना, ऐसा बड़ा सा है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, है ना। फिर क्या किया गया? मैंने कहा एक दिन जो है ना, इसमें से एक पार्ट यहां से रिमूव कर दिया, ऐसा एक स्फेरिकल पार्ट जो है, मैं सॉरी ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका सेंटर यहाँ पे होगा, रेडियस आर हो जाएगा। ये वाला पार्ट रिमूव, अच्छा एक मिनट, रिमूव करने से पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? मैंने कहा यहाँ पे रहेगा, है ना, इसके सेंटर में, है ना, रहेगा नहीं रहेगा? अबे आसान है ना, डिस्क है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैविटी पैदा कर रहा हूँ, पहले तो इसके सेंटर पे ही रहेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा इसमें से मैंने ये वाला पार्ट रोटी का गायब कर दिया। अब बचा कुचा आइटम जो बनके तैयार हुआ ना, कौन सा वाला? ये वाला कौन सा? ये और ये पूरा, इसका सेंटर ऑफ मास आप बताइए क्या? अब अभी यहां पे रहेगा कि थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा? उधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा? हालांकि अपन इसको कैविटी प्रॉब्लम के नाम से पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। कौन सी प्रॉब्लम? कैविटी प्रॉब्लम। क्या कर दिया आपने? एक कैविटी पैदा कर दी। आप सोचिएगा, जस्ट सोचिएगा कि क्या किया जाना चाहिए। अगर ये बड़ी होती तो सेंटर ऑफ मास कहां होता? यहां पे होता। हमने इसको रिमूव कर दिया अंदर से। अब इसका रेडियस जो है वो क्या है? 2r है ना, बाहर पूरे का रेडियस 2r है, तो अंदर से जो डिस्क रिमूव की है उसका क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। खैर सोचिएगा इस सवाल पे, और इसे फिर खूब सारे इस पे सवाल सॉल्व करते हैं, कब, कौन सी क्लास में? नेक्स्ट वाली क्लास में। और इस वाले का शायद टाइम खत्म हो गया है, तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको समझ और आपको समझ में आएगी इस बात की, तो मास्टर आपको गारंटी दे रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लाई थोड़ा सा स्टार है, वो ये कि भाई आप सो जाएं तो फिर जबरदस्ती तैयार, तब सामने वाला आदमी एकदम शटर बंद करके बैठ जाए कि नहीं समझूंगा मैं समझना ही नहीं चाहता। मास्टर कितनी भी कोशिश कर ले फिर मतलब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। बाकी आप होमवर्क वगैरह करते रहें, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।